हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन, जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। मैं हूं एरिक। दोस्तों, ये देखिए हमारा बोगनविलिया, ये बोनसाई है। हमने इसकी वीडियो एक साल पहले रिलीज की थी। आपने देखा होगा, इसमें हमने एल्यूमिनियम के तार के साथ वायरिंग भी किया था। आप प्लेलिस्ट में जा करके हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े लंबे लंबे ब्रांचेस हो गए इनके। अभी इन्हें हमें काटना होगा। बोनसाई करने के लिए हमें कॉम्पैक्टबिलिटी चाहिए, कॉम्पैक्ट पौधे को बनाना है। अभी बरसात का मौसम लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन ये पौधा अभी रूट बाउंड है। एक्चुअली असल में क्या है, दक्षिण भारत में और तटवर्ती इलाकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश गिरती है, तो हर एक पौधा जो गमले में होता है वो रूट बाउंड हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं, आपको एक मैं सुझाव देता हूँ, इन सारे पौधों को आप ग्रीन नेट के अंदर रखिएगा। ग्रीन नेट के नीचे अगर रखते हैं आप, 50% वाला वो जो है, बहुत तेज़ी से पानी नहीं गिरेगा। और बरसात के पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स होते हैं, तो ये छोटे छोटे बारीक बारीक पतले पतले देखिए जो रूट्स हैं वो पैदा हो जाते हैं। देखिए ये पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है। फाइबरस रूट्स इतने बढ़ गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बरसात के कारण हुआ है। ये देखिए अभी हमने रिपोर्टिंग करना है। देखिए फाइबरस रूट देखिए, इसी कारण ये पौधा बढ़ नहीं पा रहा था, एकदम रुका सूखा हुआ था। मैंने कहा इसीलिए इसको रिपोर्टिंग कर लेते हैं। तो इसके बाद हमने पूरी मिट्टी अभी निकाल दिया। आपने देखा इस मिट्टी को हम बदलेंगे नहीं, इसके साथ हम ये कुछ 5% सड़ा हुआ गाय का गोबर इसके साथ मिलाते हैं और 20% नदी की रेत, बालू, नदी की रेत मिलाते हैं, ताकि ये मिट्टी वेल ड्रेन बन जाए। बुरबुरा मिट्टी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोगनविलिया को बुरबुरा मिट्टी बहुत पसंद है और इसके अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए। मिट्टी के अंदर अगर पानी रुक जाता है, बोगनविलिया की जो जितने जड़ें हैं वो सारे सड़ जाएंगे। जैसे हम पानी डालते हैं, थोड़ा सा पानी अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसे इमीडिएटली ड्रेन आउट होना चाहिए। तो ये देखिए हमने कम से कम 20% बालू मिट्टी मिलाई है, दानेदार मिट्टी है, तो ये भी बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी बन चुकी है। ये देखिए इन रूट्स को अभी हमने काटना है। बड़े बड़े रूट्स जितने हैं उनको काटना है। अगर हम काटते नहीं हैं फिर ये रूट्स बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे और रूट बॉन्ड हो जाएगा पौधा, फिर ये रुक जाएगा। दोस्तों ये देखिए भुरभुरा मिट्टी बन चुकी है। अभी ये 12 इंच का गमला है, तो हम इस गमले को बदलेंगे नहीं। बातों बातों में हमने प्रूनिंग भी कर लिया पौधे को। ये बोनसाई का एक दूसरा विधान है। एडेनियम का बोनसाई थोड़ा सा अलग होता है, ये बोनसाई बोगनविलिया का बोनसाई थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हम बारीक बारीक फूल देखेंगे। कम से कम इसे अभी 3 महीने और लगेंगे, थोड़ी सी डालियां आ जाएंगी, ब्रांचेस आ जाएंगे और इन डालियों में फूल उगना शुरू हो जाएंगे। कम से कम 3 महीने का हमें इंतज़ार करना होगा। दूसरी वीडियो हम 3 महीनों के बाद रिलीज करेंगे, जैसे फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। अभी जस्ट ऑटम पतझड़ ख़त्म हो गया है, तो मैंने कहा अभी रिपोर्टिंग कर लेते हैं। यूजुअली हमें रिपोर्टिंग अक्टूबर के महीने में ही करना होता है, हर एक पौधे का यही तंत्र है। खास करके बोगनविलिया में अक्टूबर में अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं और प्रूनिंग करते हैं, तो आने वाले गर्मियों के मौसम में ये पौधे में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल मिलते हैं। ये बोनसाई है तो थोड़ा सा इसका प्रोसीजर अलग है। तो मिलते हैं 3 महीनों के बाद। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्त और मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ। बोगनविलिया एक बहुत ही बेहतरीन पौधा है। तो मिलते हैं बहुत जल्द। गुड बाय।